नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये सक्सेस स्टोरी है फिनलैंड की। बच्चे का स्टूडेंट वीज़ा आया है फिनलैंड का, बच्चा भी हमारे साथ में बैठा हुआ है, हरियाणा का स्टूडेंट है। तो देखिए, हरियाणा से हमारी सर्विस लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और इवन प्रीवियसली बैड एक्सपीरियंस रहा इनका अदर कंसल्टेंटों के साथ। इन्होंने प्रीवियसली अपना जो स्टूडेंट वीज़ा है लाटविया का डाला और लाटविया में बच्चे को रिफ्यूज़ल देखने को मिली है और लाटविया में इसने 1.5 से 2 लाख रुपया खराब किया है। अभी मैंने पूछा कि 1.5 से 2 लाख रुपया कैसे खराब हो गया। मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 या 70 हज़ार रुपया खराब हो सकता है, हेलो वेरिफिकेशन फ़ीस डाल के, एम्बेसी फ़ीस डाल के, एप्लीकेशन फ़ीस डाल के, रिफंड भी अगर आता है कट कटाई करके, या कंसल्टेंट भी अपनी 15 हज़ार रुपया फ़ीस ले लेता है, इतना होना चाहिए। बट कहानी बाद में पता चलती है क्यों, क्योंकि अनदर चीज़ों के नाम पर बच्चों से पैसे ले लिए जाते हैं और बच्चों को तब रियलाइज़ होता है जब वो हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं, जिसके अंदर हम प्रॉपर सिस्टम से वहाँ के प्रॉपर पैसों के बारे में बताते हैं कि ये पैसे हैं। अपनी फ़ीस ज़रूर है मेरी, फिर बता दिए 15,000 एडवांस, बाकी फ़ीस जब वीज़ा ग्रांट होता है उसके बाद लेते हैं, कुछ केसेस में एडमिशन के बाद भी लेते हैं। तो हम टोटल ट्रांसपेरेंसी से चलते हैं कि दिस इज़ द थिंग, और ऐसा नहीं है कि दिस इज़ बिग प्रोफाइल है। और बच्चों को डर लगता है, पेरेंट्स को डर लगता है उसके नाम पर, फिर बच्चे घबरा जाते हैं, पेरेंट्स घबरा जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं पैकेटों के सिस्टम में डालेंगे या फलानों के डालेंगे। हम आपको फैक्ट बताएंगे, डिसीज़न आपका होगा कि आपने किस सिस्टम से जाना है, आपने पैकेज से जाना है, आपने प्रॉपर स्टेप बाई पेमेंट दे के जानी, डिपेंड आपके थ्रू ऊपर रहेगा। अभी बच्चे की जो प्रोफाइल मैं डिस्कस करूँ, 91% नंबर है बच्चे के, दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल प्रोफाइल, और पीटी में भी 56 है और विद मैथ का स्टूडेंट है। तो मैंने पूछा कि तुम्हें घबराहट किस चीज़ की होती है, डरते क्यों? कहता जी मैं कोविड के टाइम का पास हूँ, तो दैट रीज़न मुझे लगता है कि ऐसे ही पास कर दिया है। मैं कहा अगर तुम्हें ऐसे भी पास कर दिया है तो मैथ तो था आपके पास, 10th में भी पढ़े थे, 10th में भी आपके परसेंटेज ठीक है, और आपने पीटी भी की हुई है 56 लिए हुए, तब भी डर? कहते डर इसलिए कि पिछला बैड एक्सपीरियंस रहा है, दैट रीज़न मैं अफ्रेड हूँ। तो अगर ये मेरे पास लाटविया के लिए भी आता तो फिर मैंने बता दिया कि इसका हम और अनदर कंट्रीज़ में भी डालते हैं, 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। अभी ऐसा नहीं है कि लाटविया के लिए मेरे पास आता तो मैं 100% इसका वीज़ा ग्रांट करवा देता, लाटविया का हमसे भी रिफ्यूज़ हो सकता था। समटाइम्स बच्चे की आप लेकर चलिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है या एम्बेसी से रिजेक्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास आएंगे मैं आपको 100% दूंगा, बट अगर हमने आपका केस लिया है तो आपको 90 से 95% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे विद वन फीस ओनली। लाटविया के बाद मैं इसको अनदर कंट्रीज के ऑप्शन देता, बट आई विल नॉट टेक द फीस, मैं अपनी फीस नहीं लेता। मैंने फीस कब लेनी थी, जब मैंने बच्चे का वीजा हो जाता तब मैं लेता। तो अभी इसने कंसल्टेंट भी चेंज किया, मेरे पास भी, मैंने भी कौन सा फ्री किया होगा, मुझे भी पैसे दिए होंगे इसने। तो ऐसी चीज़ों को आपने ज़रूर चेक करना है बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। और ये देखिए कि अभी इसको फिनलैंड की रेजिडेंसी कार्ड मिला है, आई थिंक सो 2027 तक मिला है इसको, वहीं से मिलकर आता है फिनलैंड। और कंट्री को कंपेयर करें लाटविया के साथ या अनदर कंट्रीज के साथ, एजुकेशन सिस्टम कैसा है अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। अदरवाइज चाहे वो फिनलैंड है चाहे लाटविया है, पढ़ने का मोटो ही नहीं है तो यू विल वेस्ट योर टाइम एंड मनी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। फॉरेन की लाइफ यहाँ से बहुत ज़्यादा टफ है, इजी नहीं है, पेशेंस से स्टेप लेने हैं। ये नहीं है कि ये कंट्री छोड़ के मैं अनदर कंट्री में चले जाऊँ, वहाँ पर लड्डू पड़े हुए हैं, वहाँ पर उससे ज़्यादा स्ट्रगल है। यहाँ पर तो आपके पास लीगल पेपर है 2024 तक, तो वहाँ जाकर आप इलीगल जाएंगे, पेपर बनाएंगे, फिर जाके क्यू में लगेंगे, अपना नंबर ऑफ ईयर वेस्ट करेंगे। तो उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। तो लाइफ और ये टाइम बार बार नहीं मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू फॉरन जाने की कोशिश करें, अदरवाइज टाइम और मनी जो है ये बार बार नहीं आएगी जब ये एक बार चली जाती है। तो बच्चे का एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसके उसके साथ भी डिस्कस करेंगे। और बच्चे ने बताया आई थिंक सो प्लस टू कौन से साल में पास आउट है, 2021 में पास आउट है। कहते गैप के नाम पर भी पैसे लिए गए, उसका सर्टिफिकेट डिप्लोमा बनाया गया। तो पहले तो ये बताओ, मैं बहुत सारी वीडियो में बार बार बता चुका हूँ, कोई भी गैप के नाम पे पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो भी लाटविया जैसी कंट्री में डिप्लोमा के नाम पर भी 40-50 हज़ार रुपये कागज के नाम पर ले लिया होगा। और आज तक हमने किसी भी बच्चे का कोई एक्सपीरियंस, कोई डिप्लोमा, कोई ऐसी चीज़ें सजेस्ट ही नहीं करते। मेरे पास 2018 का भी बच्चा पास आउट होकर आता है अगर लाटविया में डालता है
तो वी आर नेवर एवर रिकमेंड कि नहीं अभी इस गैप के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट परचेज करना पड़ेगा, आपको ये फेक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। वी आर टेलिंग द ट्रूथ कि आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर माई फॉरन स्टडी, आई आर प्रिपेयरिंग फॉर माई आयल्स और अनदर वर्ड्स एवर चीज कवरिंग लेटर के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो सीधा ही केस ऑफिसर या वीजा ऑफिसर को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे ने एक अपने गैप पूरा करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करें और टेक द सर्विस ऑफ दैट कंसल्टेंट जिसको नॉलेज है। आइदर आपने लाटविया जाना है, आइदर आपने फिनलैंड जाना है, इनसे रिलेटेड हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। हर एक कंट्री के ऊपर 100 कंट्रीज हैं, आप हमारी प्लेलिस्टों में जाएं, वहां पर स्पेसिफिक कंट्री में कहीं पर भी जाना है, अगर स्पेन में जाना है, माल्टा में जाना है, आप सिंगापुर ही जाना चाहते हैं, आप चाइना में फ्री स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, इटली जैसी फ्री स्टडी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, वहां की प्लेलिस्ट चेक करें। दे आर आफ्टर टेक द सर्विस ऑफ दैट कंसल्टेंट, इवन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट फ्रॉम योर प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट कि सर यहां पर इस तरीके का प्रोसीजर है, तो वहीं से आपको जजमेंट आ जाएगी। अगर उसको जो सारा प्रोसीजर आता होगा तो विदाउट एनी प्रॉब्लम गिव द केस टू दैट कंसल्टेंट जिसको ऐसा नॉलेज होगा जो उन प्लेलिस्टों के अंदर मेंशनड है। तो हमने दोनों प्लेलिस्टें, तीन प्लेलिस्टें लगाई हैं, एक तो मैंने इसमें लगाई है स्टडी इन फिनलैंड की और इवन स्टडी इन लाटविया की और सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया की, तीनों प्लेलिस्टें चेक करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। अभी आपका मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? हरियाणा सर। आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैंने 12th in 2021 में किया सर, 10th 2019 में किया सर। ये 10th में कितने परसेंट है? सर 69 सर। ये कौन से बोर्ड से? HBSC सर। 12th में कितने परसेंट है? 91 सर। सब्जेक्ट? सब्जेक्ट सर हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल हो गया सर, पब्लिक हेड। हाँ। कहाँ से पता चला? सर मुझे यूट्यूब से पता चला सर। यूट्यूब से आपने देखा तो क्राउन के बारे में पता चला आपको? कब से देख रहे हैं हमें? सर बहुत टाइम से देख रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं लाटविया का केस दिया आपने? सर पता नहीं होता सर पहले, मतलब कि सर कौन अच्छा सर नहीं, कौन अच्छा, वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में जजमेंट नहीं आती क्योंकि जहां वैसे नहीं पता लगता कि ऐसे डर लग रहा था कि दूर है ऑफिसर का। नो सर ऐसे पहले अपन स्कूल लगाई सर, मतलब कि सर दूर तो वो भी था सर। अच्छा अच्छा, तो वहां क्या एक्सपीरियंस रहा? सर वहां पे एक्सपीरियंस सही नहीं रहा सर, बैड रहा। नहीं बैड कहां से रहा, कि वो सर्विस प्रॉपर नहीं दे रहे थे, गाइड प्रॉपर नहीं करते थे, फोन नहीं उठाते थे या झूठ ही बोलते थे हर चीज में? पता नहीं सर, एक तरफ तो लक भी लगता है सर। हाँ हाँ। लक नहीं था सर, अभी भी सर ऐसे लग रहा लक नहीं है सर बिल्कुल भी सर। नहीं लक तो अभी आ तो गया सर, अब आया सर। अच्छा, नहीं अभी भी लक नहीं लग रहा सर, पहले नहीं लग। अच्छा, पहले लग रहा था लक नहीं था, तो मतलब कंसल्टेंट का कोई कसूर नहीं था कि लक ज्यादा काउंट करता है जहाँ मेहनत ज्यादा काउंट करता है? मेहनत तो सर मैंने बहुत की थी सर। अच्छा। पता नहीं सर भी क्या हुआ सर। चलो, तो वहाँ पर कितने के पैसे वेस्ट, कौन सी कंट्री का अप्लाई किया था? लाटविया सर। तो क्या हुआ वहाँ पे, कुछ यूनिवर्सिटी पता है किस में डाला था? सर तुरीबा। तुरीबा हुआ क्या फिर वहाँ पे, वीजा मिला या नहीं मिला? नो सर मैसी से वीजा नहीं आया सर। नहीं आया, तो कितने के पैसे वेस्ट हुए वहाँ पे? सर ये 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए वेस्ट हुआ। तो आपने 2021 में प्लस टू किया, उसके बाद का जो गैप था उसकी जस्टिफिकेशन दी थी कोई? यस सर। क्या बनाया था उसका? सर डिप्लोमा। वो किसने बनवाया था? सर मैम ने, वहीं से बनाया था। देखो उसके नाम पर भी बनवाने की जरूरत ही नहीं है। तो वी आर नॉट लाइक दैट पीपल्स कि 15,000 के बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं अभी डिप्लोमा के नाम पे, अभी एक्सपीरियंस के नाम पे, अभी उस चीज के नाम पे पैसे लूं। बट अभी एम्बेसी फीस तो देनी पड़ेगी, जो एम्बेसी फीस लगेगी, कोई ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, उसके जो चार्जेस हैं आप अपने लेवल पर कर ले, हमें कहेंगे वो तो देने पड़ेंगे। और पोस्टल के चार्जेस हैं जो जहां पर हैं आपको बता दिया जाएगा, आपने वहीं पर पे करने हैं। तो जो चीजें एज एक्चुअल है उसी में ही वी आर टेलिंग, इवन हम पहले ही बच्चे को एक एक फीसें लिख कर दे देते हैं कि यहाँ जहाँ पर ये पैसे लगेंगे, साथ में उसको बता देते हैं कि इसमें इतना फाइनेंशियल रिस्क है। तो जब वहां पर रिफ्यूज हो गया तो उन्होंने आगे कोई कंट्री सजेस्ट नहीं की अभी यहाँ पर हम डालेंगे आपका? सर किया था सर। कहाँ का? फिनलैंड किया था सर। तो फिर डाला नहीं उनके थ्रू? नो सर। क्यों सर? विश्वास नहीं रहा सर। हाँ देखो, विश्वास नहीं रहा फिर हमारे पास आ गए। तो आपको कंसल्टेंट भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी थी अगर आप किसी एक ही कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते जो कॉम्पिटेंट रहता। और इसमें क्या रही है कि लैक ऑफ हमारी अपनी भी नॉलेज रही है, बच्चे के भी रही है कि बच्चे को पता नहीं चल रहा है कि डालना किसके थ्रू चाहिए। क्योंकि जब हमने भी इस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किया था हमें भी जजमेंट नहीं आ रही थी कि कौन सा एक्चुअल कंसल्टेंट है जो ऑन ग्राउंड एक्चुअली काम करता है। तो कहते कुछ हैं फिर करते कुछ हैं, तो फिर क्या है कि नाम इंडस्ट्री का भी खराब होता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे खराब हैं, कुछ लोग ऐसा है कि इस इंडस्ट्री को खराब करते हैं इन चीज़ों के,
फैक्ट बताएं, बच्चे ने फिर भी फॉरेन जाने के लिए पैसा देने के लिए भी तैयार है, प्रोफाइल भी बढ़िया है, तब भी हम जब फैक्ट नहीं बताते हैं तो तब जाकर फिर क्या होता है कि नाम इस इंडस्ट्री का भी खराब होता है। तो हर एक पर्सन को हमारे जैसे भी लगते हैं कि ये भी चोर हैं, ये भी है तो एजेंट ही है, इन्होंने भी हमारे साथ ऐसा ही करना है, लेकिन इन्होंने हम पर ट्रस्ट किया, इनको ये रेजिडेंसी परमिट सक्सेसफुली मिला। आपने जब अपने रेजिडेंसी परमिट एम्बेसी में सबमिट करवा दिया बायोमेट्रिक, उसके कितने दिन के बाद आपका ये रेजिडेंसी परमिट आया, कुछ आइडिया? सर अप्रूव्ड तो सर 2 दिन बाद ही हो गया सर। 2 दिन के अंदर इस बच्चे का रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड हुआ है। अभी हमारा एक रिसेंटली रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड हुआ है 1 दिन के बाद, आज बायोमेट्रिक, नेक्स्ट दिन उसका अप्रूवल आ गया। ऐसे भी केसेस हैं। इस वाले इनटेक में स्पाउस केसेस में थोड़ी डिले हो रही है, स्पाउस के वीजा में स्टूडेंट का आ रहा है, स्पाउस के केसेस डिले हो रहे हैं। फिनलैंड में जाना है, नंबर ऑफ ऑप्शंस है क्रॉन इमिग्रेशन के, पाथवे बैचलर का, पाथवे मास्टर का, पीजी डिप्लोमा, मास्टर डिग्री, बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन है, सैट के साथ किन कट बच्चों का डाल सकते हैं, डालिंगोल में कहां पर डाल सकते हैं, विदाउट आयल्स लेना है तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं फिनलैंड में जाने के लिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एडमिशन ऑलरेडी आप अपने लेवल पर ले चुके हैं, रेजिडेंसी अप्लाई करवाना चाहते हैं, क्रॉन इमिग्रेशन इज देयर, फंड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव नो फंड फॉर द पर्पज ऑफ TRP कार्ड, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपको टेक्निकली गाइड कर सकते हैं कि हाउ टू शो द फंड फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंसी परमिट। ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं, स्पाउस को बुलाना है, पेरेंट्स को वहां पर टूरिस्ट वीजा के लिए बुलाना है, डिपेंडेंट बच्चों को बुलाना है, क्राउन इमिग्रेशन हेयर ऑलरेडी इन साइड यूरोप के अंदर है, वहां से फिनलैंड में एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन हेयर ऑलरेडी फिनलैंड के अंदर है, वहां पर अपनी एक्सटेंशन चाहते हैं, रिन्यूअल करवाना चाहते हैं अपना रेजिडेंसी परमिट फिनलैंड का, क्राउन इमिग्रेशन हेयर, ऐसी ऐसी सर्विसेज हैं। जैसे मैं फिनलैंड के ऊपर बोलता हूँ, ऐसे ही हमारे पास हर एक कंट्रीज के ऊपर टिप्स है जिसमें हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा क्रॉन इमिग्रेशन के साथ? बहुत ही अच्छा रहा सर, मुझे ज़्यादा बकवास रहा लग रहा है। अगर बाई चांस आपका वीजे में प्रॉब्लम आ जाती ना आता तो फिर क्या रहता, फिर क्या कहते आप कि एजेंट मारे थे या मेरी किस्मत खराब थी या मुझे फर्दर इनके थ्रू अप्लाई करना चाहिए, तो क्या आप सोचते? सर किस्मत खराब नहीं, मतलब उसके बाद क्या अगर फर्दर ट्राई करते या नहीं करते? नहीं सर। क्यों? लक खराब है। नहीं, लक खराब नहीं है, देखिए ये दिस इज द बैड, अभी मैं बता दूं, इतनी बढ़िया प्रोफाइल है, अगर ये चुप करके बैठ जाता घर में तो ही विल स्पॉयल हिज कैरियर, किसी ने नहीं है। और जब तक हम गिर गिर के फेल्यूर के बाद फेल्यूर के बाद फेल्यूर के बाद क्या आता है, एक बार फेल, दो बार फेल, तीन बार फेल, उसके बाद क्या आता है? फिर सक्सेस आता है। आप जितनी बड़ी मर्जी फेल हो जाइए, एक दिन आपका सक्सेस आएगा अगर आप अपना कर्मा और एफर्ट्स करते रहेंगे उस कंसल्टेंट के थ्रू जो कंपिटेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, गिर गिर के बंदा एक दिन खड़ा होता है, लेकिन आपका तो सारा कुछ अच्छा है, आपके परसेंटेज भी अच्छे हैं, PT भी अच्छा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, तो एफर्ट जरूर करें। कहीं पर भी किसी भी टाइप की आपकी रिफ्यूज़ल आई हैं, एटलीस्ट मेरा ओपिनियन जरूर लें, हमारी कंपनी का ओपिनियन जरूर लें, अपनी प्रोफाइल एटलीस्ट शेयर करें। आप 20 टाइम भी रिफ्यूज हैं कहीं से, शेयर द प्रोफाइल, देयर आफ्टर मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा, मैं बता दूंगा कि ये होने वाला केस नहीं, इसको छोड़ दें, 50-50 चांसेस हैं, आपको 90-95% रिजल्ट्स मिलेंगे हमारे साथ जुड़ेंगे, नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूजल के बाद भी, इवन बैन भी लगा हुआ है, तो एटलीस्ट अच्छे कंसल्टेंट का ओपिनियन जरूर लें। तो थैंक यू सर, आपका मैंने टाइम लिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।